अभी सिर्फ 45 मिनट पहले ये सारी इंतजामिया 150-200 इनके पास सिक्योरिटी और मसल्ला, ये सारे कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ ये थे, ये मेरे घर के पास पहुंचे। इन्होंने कहा घर से बाहर निकले। मैंने कहा क्यों घर से क्यों बाहर? कहने जी आपके वो ऑर्डर कैंसिल हो। मैंने कहा मुझे कैंसिलेशन ऑर्डर दिखाई। कहते हैं जी हमें पास तो नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? आप मुझे, मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप अगर कैंसिलेशन की है तो पहले मुझे नोटिस करते, मुझे सुनते, अगर मैं नहीं सेटल फिर मुझे ऑर्डर दिखाते। लेकिन उन्होंने कहा कोई ऑर्डर नहीं है। इन्होंने फिर जबरदस्ती, मैंने कहा मैं इस तरह आपको सील नहीं करने। कहते नहीं हम आपको सील करने देंगे, आप निकले घर। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं सील करने दूंगा। इन्होंने जबरदस्ती हमारी पानी बंद कर दिया, बिजली काटी, मेरे बच्चे थे घर में, ये जबरदस्ती हॉस्टेल पास किए, जबरदस्ती दाखिल हुए, बदमाशी मेरे गले पड़े हैं, मुझसे फोन इन्होंने छीन लिए। जब मैं अपने बाहर के प्रेसिडेंट को फोन कर रहा था, इन्होंने ना सिर्फ मेरे फोन छीन लिए, मेरी कोई बात, बल्कि मुझे उठा के सड़क पे ले गया, जबरदस्ती मेरे बच्चों को धक्के दे के इन्होंने घर से निकाल के। मैंने कहा मेरे घर में भी छोटे छोटे परिंदे हैं, जानवर हैं, उनकी जान का मसला, मुझे टाइम तो दें मुझे। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। उधर बदमाशी करके जबरदस्ती इन्होंने सील करके, घर का पानी बंद करके, मेरे बच्चों को हरासा करके सड़क पे हमें बैठा दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये पाकिस्तान की रियासत है। मैं एक मुअज्जज वकील हूँ, मेरी मिसेज इधर जॉब करती है। क्या गलती की? अगर कोई इस तरह का मामला है तो हमें सुनते तो सही। ये बिल्कुल एक बदमाशी है इनको, ये बदमाशी तो नहीं चलनी चाहिए डॉक्टर से कि हम यहाँ रहते हैं तो सिर्फ ये हमारा भी इसमें हक बनता है। ये बहुत सख्त ज्यादती की है। अभी देखिए कि हम सड़क पे बैठे हुए, ना हमारे पास पानी है, ना कोई जरूरत है जिंदगी की इस्तेमाल कर। इन्होंने बिल्कुल सख्त ज्यादती की है। बिल्कुल ठीक है, पैसे ले जाओ, डकैती हुई है, डकैती की है इन्होंने।